हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। सो मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही खास जगह। आई थिंक आपको बहुत मजा आने वाला है। कहाँ पे आए हो आप? तो हम लोग जो है 12 घंटे की ड्राइव करके दिल्ली से अब जम्मू आ चुके हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कश्मीरी शादी। और खुशी की बात यह है कि ये एक नहीं दो दो शादियां हैं। तो एक होने वाली है पंजाबी स्टाइल में गुरुद्वारे में, और दूसरी जो है वो कश्मीरी वेडिंग है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ आप लोगों को भी पूरा का पूरा दिखाएं कि कैसे होती है ये शादी, और आप लोग जो है घर बैठ के इंजॉय करें पैंडेमिक में। शादी में तो मैं नहीं था, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी आशीष की है। सो उसके सिस्टर की भी शादी है आज ही, और मतलब उसके दो दिन बाद है। सो हम कोशिश करेंगे जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट है वो कैप्चर करें और एक मेमोरी बनाएं। सो बेस्ट विशेज आशीष एंड शिवाती। सो आपको दिखाते रहेंगे, बी पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सो कीप एंजॉयिंग। अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हाँ जी भाई, क्या कांग्रेचुलेशन। आई एम ऑन कैमरा राइट नाउ। सो मैं आपको एक ज़रा बात बता दूँ, अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है या जो भी सीन है, तो अगर आपको किसी शादी में इन्विटेशन मिलता है, तो पहले मैं एक दिन पहले अपना प्रिपरेशन करता रहा शादी में जाने से पहले कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और मेरी इस शादी में भी मतलब दो घंटे पहले मैंने पैकिंग कर ली थी मुझे शादी से निकलने से पहले। लेकिन लड़कियों का सीन ऐसा रहता है, उनको पूरा मतलब क्या क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी कितनी झंड हो गई ये सब। ओ एक्सक्यूज मी, झंड की क्या बात है इसके अंदर? मुझे एक बात बताओ, मैंने सूट पहना हुआ है ठीक है, अब मुझे फुटवेयर अलग मैच करने, बिंदी देखने, मेकअप देखना, इयररिंग्स देखने, और पंकज को क्या देखना है? कुछ भी नहीं। नहीं, जो भी है मतलब मेंटली प्रिपेयर रहे कि इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने पड़ सकते हैं शादी के बाद। यार मैं फटाफट रेडी हो रही हूं। कैसा मतलब कुछ समझ आ रहा है ये गरारा पहने आज मैंने? तो यहाँ पे होने वाली एक बहुत ही खतरनाक रस्म जो होती है रिबन कटिंग रस्म, जिसको हम कैप्चर करेंगे। जल्दी से हो रही है, आ जाओ देखते हैं। तो अभी बढ़िया हो रही है यहाँ पे अपना रिबन काटने की रस्म, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। अभी हो रहा है कश्मीरी स्टाइल से ग्रूम का वेलकम, और इसको क्या बोलते हैं दीदी? व्यू पूजा। तो आप लोगों को यहाँ पे नए नए ट्रेडिशंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 9, 11 और 12 पहले कश्मीरी स्टाइल में ग्रूम और ब्राइड का वेलकम हो रहा है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को इंटरकास्ट मैरिज अभी देखने में। तो बेसिकली ये लव मैरिज हो रही है, लड़की जो है वो कश्मीरी है और लड़का जो है वो सिख है। अब हम पहुँचे हैं गुरुद्वारे में, जो नेक्स्ट सेरेमनी है वो गुरुद्वारे में हो रही है, क्योंकि लाइक ग्रूम इज़ फ्रॉम सिख साइड एंड द गर्ल इज़ फ्रॉम जम्मू कश्मीरी पंडित। सो ये जो सेरेमनी है गुरुद्वारे में हो रही है, शादी का काज, लाइक पावन काज जिसको बोला जाता है। सॉरी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਛੇ ਪੁੜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭੋਗੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਕਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਟਾ ਪੁਲ सो फाइनली हमें मिल गया आशीष, जो कि मेरा फ्रेंड है और ये बिजी था बहुत शादी में, इससे बात नहीं कर पाए थे। सो कैसा लग रहा है बहन के हाथ पीले करके? आई हैव गॉट वन मोर सिस्टर ना, बट उनका नॉर्मल शादी हुई थी। ओके, अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट। अभी मेरी भी शादी है। कब है? ऑन फ्राइडे आई बिलीव। अच्छा फ्राइडे, आज क्या है, मंडे? नहीं सॉरी, ऑन वेंसडे। हाँ जी। सो ये इंटरकास्ट कैसे रहा एक्सपीरियंस, इंटरकास्ट शादी का? सर एक्सप्लेन करेंगे। सो आपके लिए इंटरकास्ट मैरिज थी ना ये, तो आपको कैसा लगा इंटरकास्ट मैरिज में आके? बढ़िया है, बस ये परमात्मा की सर तरफ से जो भी जैसे लिखा हुआ है वैसे हो जाता है। जी जी जी, इसमें हमारा किसी का भी कोई नहीं है। अच्छा। हम जो भगवान का ठीक होता है उसको ठीक समझते हैं। बस हमें परेशान करा सर को। और हमें हमें ये है कि बच्चे खुश हैं तो सब खुश है। जी जी, क्योंकि तो बच्चे ही सब कुछ होते हैं। जी जी, यही सोच रखते हैं। जी सर, थैंक। नहीं पैसे दो, आंटी नहीं ले रही है, ऐसे नहीं, बजट दे दो, पैसे दो।